हेलो फ्रेंड्स, मैं श्री भदौरिया लाठी गांव के तरफ जा रहा हूं राजस्थान। देखिए यहां का माहौल बना। ये श्री भदौरिया लाठी गांव के हाथ में भी बड़े हाथ आगे की तरफ दोस्त है वो, अगर होता नहीं अपने सिविल ड्रेस पहन रहा तो आ जाता कई बार। हिस्सा है गाड़ी आ रही है। ये जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है श्री भदौरिया लाठी। यहाँ का राजस्थान हम अभी गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे बकरियाँ चल रही है इधर धीरे धीरे। सब देखिए कितने बड़े बड़े हैं, छागर हैं, देख लीजिए बकरियाँ भाग रही है वो बिल्कुल। देखिए यहाँ पे जंगल, बड़े पेड़ पौधे तो नहीं है, कांटे वाली झाड़ियाँ हैं और देखने में तो बहुत शानदार लग रहा है। इधर जाने के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे गांव का याद आ रहा है, बहुत मन करता है गांव की तरफ जाऊं, गांव जल्द से जल्द पहुंच जाऊं। ये श्री भदौरिया लाठी डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर, कुएं से पानी, मकाने जो है इस तरह से बने हुए हैं, पत्थर के मकान है बिल्कुल। ये बताओ क्या नाम, ये पानी का पानी वाला देखो बच्चा दौड़ रहा है पानी। देखिए कुआं किस तरह से, इसी तरह से यहाँ पे राजस्थान में कुआं होते हैं। टपाकर तो देखने के लिए अभी तक नहीं मिला, 3-4 गांव में घूम चुका हूँ। कुआं से पानी निकालते हैं, उसी से पानी अपना पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। यहाँ फिल्टर उल्टर का कोई मतलब ही नहीं है। हेलो दोस्तों, देखिए ये टावर है, का टावर है, आप सब भी गैस कर सकते हैं। लेकिन ये लग रहा है कि मेरा फोन का नेट तकड़ा चल रहा है, इसका मतलब एयरटेल का टावर है। एयरटेल का है, आपको पता चल गया, पास में एक दो आपको लगता है मैसेज आएगा एयरटेल टावर का है लग रहा है ना। ये एयरटेल का, भैया ने बता दिए हैं कि एयरटेल का टावर है, तो मैं समझ गया कि एयरटेल का ही होगा क्योंकि मेरे मोबाइल फोन में भी अच्छा नेटवर्क आ रहा है। 5G है 4G है, मेरे पास 4G है। 4G है, 5G के लिए भी पैसे नहीं लगाने ना, अभी पैसे नहीं लगाने 5G के लिए, अच्छे फ़ोन आएंगे तब लेके आएंगे, तब लगाएंगे। अच्छा, नेट के चक्कर में नहीं लगाने पैसे। ये एक मंदिर है, हाय फ्रेंड्स, मैं अभी पहुंच चुका हूं श्री भदौरिया लाठी गांव जैसलमेर का। जैसलमेर जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज का, श्री भदौरिया लाठी का राजस्थान, मैं अभी वहीं पे आ गया हूं घूमते घूमते। देखिए मौका मिला अभी, इस तरह से मैं श्री भदौरिया लाठी गांव, ये छोटा मोटा मार्केट है। अभी तक मैं राजस्थान में 3-4 जगह में उतरा, लेकिन गाड़ी का कोई मार्केट ऐसा नहीं मिला था। अभी देखने के लिए मिला कुछ अच्छा मार्केट, थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, लग रहा है कि मैं कोई सिटी में हूँ। गांव का भी याद बहुत अच्छा लगता है, देख सकते हैं बिल्कुल दुकानें वकानें सब चीज़ है लगभग बिल्कुल। सबसे अच्छा है जेडी मॉल, देखिए
उसके बाद देख लीजिएगा। आ गई थोड़ा मार्केट घूम के। कुआ पीछे भाग गया, इधर है ना, इधर को है। अभी शाम के 7 बज चुके हैं, देखिए उजाला है यहाँ पे है अभी भी। और रनिया चाचा, क्या नाम है इसका, भदौरिया लाठी। और रनिया चाचा पीछे रह गए ना, भदौरिया इसकी नाम है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर भदौरिया गांव है, वहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी है। कैसी कौन लाइब्रेरी एशिया की, मतलब पूरे वर्ल्ड अपना भदौरिया में, भदौरिया में, भदौरिया लाठी में। हाँ भदौरिया इधर से यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है भदौरिया राय का। मैं तो गया था वहाँ मंदिर, लाइब्रेरी नहीं देखी आपने, कहाँ देखा मैं, गाँव घूमा मैं। भदौरिया कैसे गया, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है भदौरिया। मैं वहाँ गाड़ी रुका था ना, भदौरिया में स्टेशन। हाँ नहीं स्टेशन नहीं, आप लोग अलग कोई कुछ गए होंगे। भदौरिया ये जो हाईवे रोड है ना, इस हाईवे रोड के दो फुट आगे 3 फुट जाओगे उससे एक वहाँ पर क्या है, एशिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी है। कितनी मतलब इस प्रकार से घर है, बिल्कुल पत्थर के हैं, एकदम पत्थर के ही छत भी है, देखने के लिए वो बिल्कुल। ये जो देख रहे हैं पत्थर, इसी से बिल्डिंग बनते हैं, इसको जोड़ जो गोल्डन कलर, इसको पत्थर बोलते हैं, गोल्डन सिटी। इसी से देखिए यही पत्थरों से घर बनते हैं, छत उत इसी से डाला जाता है, प्लेट टाइप के। देखिए आपको दिख रहा होगा उसी का घर है वो, बिल्कुल देखिए वहाँ पे गोल्डन पत्थर बोलते हैं यहाँ पे, ईंट का कहीं नहीं है।